नमस्कार स्टूडेंट, एनवी डिजिटल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेमलता माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो को आपके लिए अपनी सब्जेक्ट को पढ़ाने बीएड के रिलेटेड जो सब्जेक्ट था उसको पढ़ाया था, लेकिन आज मैं उसी को अपना माध्यम बनाते हुए अपनी जो मोटिवेटिव क्लासे हैं जो हमको अपने स्वयं को मोटिवेट करने के लिए यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम अपने आप को किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके का मोटिवेट अपने लिए बनाया जाए, किस तरीके से मोटिवेशनल तरीकों से हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे, इस तरीके के वीडियो स्टूडेंट्स में लेके आई हूँ। मैंने आज तक के वीडियो में अपने आप को जानने और समझने की चीजें आपको बताई थी, लेकिन आज मैं आपको अपने आप को मोटिवेट किस तरीके से किया जाता है यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो आने वाली हैं आपकी, हम जो नव भारती चैनल पर जो वीडियोस प्रसारित कर रहे हैं कि आपको हम ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले हैं, तो इसी चीज के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करें कि आप अपनी परीक्षा में 100% सफलता ला पाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी आगे की इस वीडियो से आगे जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने कुछ चीजों के लिए आपको बोला है कि भय होता है हमारे अंदर किसी भी परीक्षा को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो उसको हमें किस तरीके से बाहर निकालना होगा, किस तरीके की चीजें होंगी जिनसे हम प्रतियोगी परीक्षा में 100% रिजल्ट बना पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को, मेरी इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा क्योंकि कुछ टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी इस सफलता की जो श्रेणी है, जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आपका, इसमें सफलता लाने के लिए कुछ टिप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। उन टिप्सों का यदि आप अपने डेली के रूटीन में अगर आप उन्हें डालेंगे तो आप 100% सफलता पाएंगे। स्टूडेंट्स, तो रीट हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रत्येक चीज के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को समझना, अपने आप को मोटिवेट करना होगा। जिस परीक्षा के लिए हम अपने आप के लिए को तैयार कर रहे हैं उस परीक्षा का सबसे पहले पाठ्यक्रम क्या होता है उसका डीपली हमें अध्ययन करना होगा, हमें गहराई में जाकर उसको सोचना होगा कि किस तरीके से हम इस जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं उसमें हम किस तरीके से सफल हो पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हमारी जो सोच है उसे हमें पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि हम जिस भी परीक्षा की तैयारी अगर हम करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें इस परीक्षा में सफलता पानी ही है। इस तरीके की सोच जब हमारे अंदर हम डेवलप करेंगे तो हम परीक्षा की तैयारी इन टिप्सों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो इन टिप्सों के माध्यम से, जितने टिप्स मैंने यहाँ पे दिए हैं इनके माध्यम से आप अपने आप को किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि इन टिप्सों के माध्यम से आप अपना एक अच्छा जो दिनचर्या है उसको बना पाएंगे, अच्छा टाइम टेबल बना पाएंगे और अपनी तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो पहला है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका गहराई से, यानी कि जो भी चीज की आप, जो भी चीज का, किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी जो कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, तो उसको सबसे पहले हमें चिंतन और मनन करते हुए गहराई से सोचना है कि हमें ये तैयारी करनी है, तो हमारा लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम किसी कार्य को करने के लिए जगह जगह लक्ष्यों पर भटकते हैं तो हमारा एक लक्ष्य भी पूरा नहीं होता, तो हमें लक्ष्य सिर्फ एक रखना चाहिए। रीट हो, नेट हो, टेट हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, फर्स्ट ग्रेड हो, कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, वकील हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, लेकिन हमको अपना एक लक्ष्य बनाना होगा। उसी लक्ष्य की तैयारी हम अपने आप को, स्वयं को समझते हुए, स्वयं को मोटिवेट करते हुए अगर हम उस लक्ष्य को पाने की जो तैयारी करेंगे तो 100% हम उसमें सफलता हासिल करेंगे। तो पहला है कि जो पाठ्यक्रम है, जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस किस किस तरीके से है, कौन कौन सी चीजें उस परीक्षा में आने वाली हैं, तो इस तरीके के पाठ्यक्रम को देखें, गहराई से सोचें उसको किस किस तरीके से उसका अध्ययन करना होगा। इस तरीके की चीजें हम अपने अंदर डालेंगे तो हम उस पाठ्यक्रम को भी समझ पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, सेकंड आता है आत्मविश्वास। देखिए स्टूडेंट, पहली वीडियो में भी मैं आपको
ले जाने का प्रयास करता है। तो अपने इस कॉन्फिडेंस को आपको यानी कि स्वयं को आप परीक्षा के लिए तैयार करें, अपने अंदर एक विश्वास जागृत करें कि मैं इस परीक्षा की तैयारी करने जा रहा हूं और मैं इसमें 100% सफल होऊंगा। इस तरीके की जो आत्मविश्वास है वो अपने अंदर आप डेवलप करें। नेक्स्ट है अच्छी प्लानिंग। देखिए स्टूडेंट्स, काम कोई भी हो या प्रतियोगी परीक्षाएं हो या स्वयं का कोई कार्य हो, घरेलू कोई कार्य हो, पड़ोसी तक का कोई भी एक्सपायर कार्य हो, लेकिन हमें सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग, आप उन सभी विषयों को पढ़ने की प्लानिंग करें जो आपके इस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपकी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं उनकी हम तैयारी करें। तो इससे क्या है, हम एक समय सारणी बना पाएंगे, इसके माध्यम से हम अच्छा और अच्छी तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नोट्स तैयार करें। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को हम पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि उसके स्वयं नोट्स बनाएं, जो पढ़ा हुआ है उसको गहराई तक पढ़ते हुए अपने आप नोट्स बनाएं, उन नोट्सों को फिर लिख करके नोट डाउन करें, जिससे कि हम जैसे सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स होते हैं उनको अपन को याद करते हुए उनको हमें नोट डाउन करते हुए नोट्स तैयार करने हैं, जिससे कि वो लाइफ टाइम चलते रहे और हम उनकी जानकारी उन नोट्सों के माध्यम से करते रहे। नेक्स्ट आता है पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण। देखिए स्टूडेंट, पढ़ाई के लिए जो एनवायरनमेंट है उसका भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी पढ़ाई, मैं ये कहूंगी कि जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं अपन अर्ली मॉर्निंग अगर उस पढ़ाई को पढ़ते हैं 4 से 7 बजे के बीच में मॉर्निंग में अगर हम उठ के पढ़ाई करते हैं तो वो हमारी 9 से 10 घंटों की पढ़ाई के बराबर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा और मन एकदम शांत और अच्छे होते हैं उस टाइम। जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम गहराई तक सोचकर अच्छे तरीके से हम पढ़ पाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हम पढ़ते तो सभी हैं लेकिन हम 8-8, 10-10, 12-12, 18-18 घंटे पढ़ते हैं और करते क्या है, पढ़ लिया उस ज्ञान के ऊपर ज्ञान चलता रहता है। देखिए कि बाल्टी अगर पानी से भरी हुई है उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो पानी बहता हुआ वेस्ट ही चला जाएगा, लेकिन जो बाल्टी का पानी है उसको आप पहले यूज करोगे उसके बाद आप उसको वापस भरोगे, यानी कि खाली बाल्टी को वापस भरोगे तो वो ज्ञान आपका दोगुना हो जाएगा। यानी कि जो आपने पढ़ा है उसका गहराई से चिंतन करते हुए उसको क्लियर करते हुए साइड में कर दीजिए, नेक्स्ट ज्ञान को उठा लीजिए और वो आप पढ़ेंगे तो वो आप उसमें बहुत अच्छे से अपनी पकड़ कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि इसीलिए हमें क्या होता है कि अच्छा वातावरण, इन्हें चीज़ों के लिए शांत वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। शांत वातावरण में बैठकर शांति पर जगह हम बैठेंगे वहाँ हम 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर भी कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा शांत होना चाहिए, एजुकेशन के लिए फ्री माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पुराने परीक्षा के प्रश्न पत्र। देखिए स्टूडेंट, पुराने परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं आपने जो अब तक पढ़ा है, जो आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं उसको पढ़ा है तो आप एक अच्छा प्रश्न, किसी पिछले प्रश्न पत्र को उठाएं, अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करें, जिससे आपको परीक्षा का पैटर्न भी पता चलेगा, आपका जो ज्ञान आज तक आपने लिया है अगर आप उसको भरोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना यहाँ पे आप पानी में हैं और कितना आपने अब तक अपने अंदर ज्ञान को ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आता है अच्छा खाना पीना होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए खाना पीना होता है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ये शब्द बोले हैं, बुकों में भी आज तक उन्होंने अपनी डेफिनेशन के माध्यम से लिखा हुआ है कि विद्यार्थी लाइफ जब तक होती है, स्टूडेंट लाइफ जब तक होती है तो हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए, यानी कि हमें बाहर के फूड यानी जंक फूड और इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम सात्विक भोजन करेंगे तो अच्छी नींद ले पाएंगे, अच्छी तरीके से अपने आप को एक्टिव रख पाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए थोड़ी देर एक्सरसाइज भी हमें करनी होगी, थोड़ी देर मेडिटेशन भी करें, थोड़ा योगा करें, अपने आप को स्फूर्ति वाला और एक्टिव रखें, जिससे हम आगे वाले आने वाली जो जिस प्रतियोगी परीक्षा को हम फेस करने वाले हैं उसको हम आसानी से कर पाएं। नेक्स्ट होता है, लास्ट में होता है कि स्टूडेंट जब हमारी पूरी ये तैयारियां हो जाती हैं उसके बाद जो हमारा डर होता है वो होता है एग्जामिनेशन हॉल का, कि वहां जाके मैं भूल जाता हूँ, ये हमारी बनाया हुआ सोच है, ये हमारी कल्पना है, काल्पनिक भय है कि जो मैंने याद किया है मैं भूल जाता हूँ। नहीं, हमें ऐसा सोच के एग्जाम देने नहीं जाना है, हमें ये सोच के एग्जाम देने जाना है कि हमें
अकॉर्डिंग पढ़ा है और मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है, मैंने आपके भय को, आपके डर को खत्म करने के लिए इसके बाद जो वीडियो बनाए हैं वो आपके अंदर के भय को खत्म करने के लिए बनाए हैं। भय अंदर किस प्रकार से जकड़ा रहता है, किस प्रकार से उसे दूर करना होता है, इस तरीके की बातें मैंने एक वीडियो में नहीं दो वीडियो में बताई है, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो स्टूडेंट देखते नहीं है। छोटे छोटे पार्टों में मैंने आपको भय को दूर करने, यानी प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे तो उसमें अपने आपके भय को आप किस प्रकार से दूर करते हुए एक अच्छे एक स्वयं को समझते हुए एक अच्छी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हुए आप एग्जाम को हासिल करेंगे, 100% रिजल्ट पाएंगे। इस तरीके से मैंने आपकी आज मेरी वीडियो नहीं खत्म होती है, क्योंकि अगर इस तरीके की वीडियो अगर आप मुझसे देखना चाहते हैं तो इसी तरीके के कमेंट्स मुझे करते रहिए। मेरे नवभारती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नव और